चैनल शाइस्टेस एंड साइमा। मेरे को छोटी चीजें कलेक्ट करने का, रखने का, या जब भी मुझे कोई छोटी मोटी सी चीज रिसीव होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत समझती हूँ। एंड मैं कई बार स्पेशली सिर्फ छोटी और मिनी चीजों के लिए ना ऑर्डर भी कर देती हूँ, मेकअप, स्पेशली मेकअप, जब मुझे कुछ मिनिएचर फ्री में मिलता है। आई लव देम। पैक ने लॉन्च किए हैं उनका मिनी रेंज, जिसमें उन्होंने काफी सारे मिनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और वो सारे मैंने बाय करे हैं, तो रिव्यू देम। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ पैक के जो मिनी मेकअप रेंज लॉन्च हुई है उसका रिव्यू, प्लस ट्राई ऑन थिंगी, लाइक यू नो मैं उनको ट्राई करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, आर दे वर्थ इट, लाइक कैसे है, स्पेशली प्राइस पॉइंट, यस, क्योंकि अगर वो मिनी साइज है तो प्राइस भी कम होगा। अगर आप नायका पे जाओगे तो नायका का मिनी प्राइमो 129 रुपीज का, लाइक 150 रुपीज में यर सेलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको मिनी में इन्वेस्ट करने का मतलब है दो बेनिफिट्स, एक आप उसको पूरा फिनिश कर पाओगे, दूसरा आप उसे एक्चुअली कम प्राइस पे बाय करके ट्राई कर सकते हो कि बड़े साइज में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, कई बार हम 3000-4000 या बड़े साइज में ले लेते हैं तो फिनिश नहीं हो पाता, दूसरा कई बार हमें वो चीजें पसंद नहीं आती और हमारा जो मनी है वो वेस्ट हो जाता है। ये दो बेनिफिट्स होते हैं मिनी साइज के। बाय द वे पैक और पीएसी इज अ मेकअप स्किन केयर ब्रांड है, उसके कुछ रैंडम स्किन केयर भी है। पैक की लिपस्टिक्स मेरी फेवरेट रही है, इवन पैक की ब्यूटी ब्लेंडर्स भी बहुत अच्छे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने मिनी साइजेस को जैसे ही देखा वैसे ही मैंने इंस्टेंट ऑर्डर कर दिया। वैसे ये बाय द वे नायका पे इजली अवेलेबल है एंड अमेज़न पे भी अवेलेबल है, इसमें आई थिंक मेकअप रिमूवर ही नहीं है मेरे पास, बाकी सारी चीजें मैंने ऑर्डर करी। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको पैक के मिनी प्रोडक्ट्स आपको रिसीव होंगे और कुछ तो बिल्कुल एक्चुअली जैसे बड़े पैकेजिंग में आते हैं उसी का मिनी वर्जन है। उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च किए हैं, पैक की मिनी लिपस्टिक्स पहले ही ऑलरेडी अवेलेबल थी। इसके अलावा दे हैव लॉन्च देयर मेकअप रिमूवर, देयर मॉइस्चराइजर, प्राइमर एंड स्पेशली उनकी वो जो स्ट्रोक क्रीम है वो है इसमें, उनका बनाना पाउडर, पाउडर, सेटिंग स्प्रे, इवन द काजल, काजल भी है एंड सेटिंग स्प्रे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दे हैव सो मेनी थिंग्स। आई थिंक 10-12 चीजें इसमें अवेलेबल है आपको मिनी साइज में। एक छोटा सा मेकअप किट भी बना सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं बेयर फेस लिए बैठी हूँ क्योंकि मैं इनको सबको ट्राई करने वाली हूँ अपने फेस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैकेजिंग पे सब पे ही मिनी बहुत इजीली आपको दिख जाएगा क्योंकि ये मिनी साइजेस हैं, तो उन्होंने मिनी मेंशन भी किया हुआ है। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई इज दिस राइज एंड ग्लो टॉनिक मिस, दिस इज अ फेशियल टोनर, इसमें आपको 10 ml मिलता है, इट कॉस्ट यू 250 रुपीज। दिस इज द पैकेजिंग। शेक करना है और मैंने 4 pump यूज किए हैं, आई थिंक 10 ml है तो 4 pump पे आपको अप्रॉक्स 1/2 ml तो लग ही गया होगा। व्हाट डू यू थिंक गाइस, स्मेल सो गुड, सो हाइड्रेटिंग एंड सो रिफ्रेशिंग। लेट्स सी कि मेरा फेस जागा या नहीं क्योंकि इट इज राइज एंड ग्लो। बाय द वे गाइस, मैंने ये वाला प्रोडक्ट पहले कभी ट्राई नहीं किया, पैक के मैंने काफी सारी चीजें ट्राई की हैं बट राइज एंड ग्लो टोनिक मिस्ट कभी नहीं ट्राई किया। यस इट इज हाइड्रेटिंग, थोड़ा सा टैकी भी लग रहा है, सो आई फील ये बहुत ही अच्छा फॉर द डे, यू कैन यूज दिस एंड स्प्रे कर सकते हो आप और बहुत हाइड्रेशन देगा। नेक्स्ट आई हैव दिस पैक एक्वा ब्लास्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मिनी, फुल साइज वाला मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत ज्यादा पसंद था मुझे, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बस लेट्स ओपन दिस एंड इसे ट्राई करेंगे। दिस इज द मिनी साइज बट आई फील दिस इज नॉट दैट मिनी मिनी वन। यू आर गेटिंग 25 grams जो कि मुझे लगता है इससे कम होना चाहिए, 15 ml होना चाहिए अगर मिनी साइज बोला है, क्योंकि सब फुल साइज वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा नहीं, जिसमें आपको 30 or 40 grams मिलता है। दिस मॉइस्चराइजर सो गुड, वाटर बेस्ड है, समर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने बहुत हैवी मॉइस्चराइजर लगाया है, ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन वालों के लिए ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया। तो इस प्रोडक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है पैक में, एंड दिस इज पैक की स्ट्रोक क्रीम ट्यूब इन मिनी एंड ये है शेड पीच, इसमें पीच पिंक गोल्ड आता है। दिस इज साइज, लुक एट द साइज गाइस, सो टाइनी, मतलब अगर मैंने अपनी मुट्ठी बना ली और कुछ बोला कि इसमें कुछ है तो आप पहचान ही नहीं पाओगे इसमें कुछ है, क्योंकि ये बहुत ही छोटू है। एंड इसमें आपको 5 ml मिल रहा है, 195 rupees आपको कॉस्ट कर रही है, एंड आई फील अभी ना जस्ट ये मिनी साइजेस जो है लॉन्च हुए हैं इसकी वजह से इनके प्राइजेस इतने हैं, बट अगर सेल वगैरह चलती है और अगर आप लोग इसको मिनी वर्जन पे अच्छा मिलता है पैक को पीएसी को, तो डेफिनेटली आपको सेल में ये और सस्ते में मिल जाएगा एंड तब आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोज हु वांट टू ट्राई बट फुल साइज इनके महंगा है तो आप छोटे साइजेस को बाय कर सकते हो, क्योंकि हर कोई यू नो मेकअप इन्फ्लुएंसर नहीं है या उनको एवरीडे में मेकअप नहीं करना, उनके लिए छोटू साइजेस भी इनफ होते हैं अगर वो कभी कभार मेकअप करते हैं तो। Totally love this. मैं जरूर बोलूंगी आप ये जरूर ट्राई करो, इट्स सो गुड। नेक्स्ट वी हैव दिस 4 ml में प्राइमर मिनी, ये आपको 195 rupees में मिल जाएगा मिनी साइज, एंड ये पोर फिलिंग प्राइमर है सिलिकॉन बेस्ड, लुक एट द साइज, सो टाइनी टाइनी साइजी पी साइज अमाउंट, एंड मेरे यहाँ पे ओपन पोर है तो मैं इसी को फिलिंग कर रही हूँ, एंड लुक एट द शाइन जो मुझे मिली है इससे,
जब मैं नायका से कुछ भी ऑर्डर करती थी ना, तो मुझे इन साइजेस में कोई भी प्रोडक्ट जब रिसीव होता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। आई नो कि बहुत छोटा साइज है, बट स्टिल जब मैं ट्रैवल करती हूँ, यू नो वेकेशंस वगैरह पे, तो मैं यही साइजेस पैक करती हूँ, क्योंकि इससे बल्कि भी नहीं होता एंड मेरे एक दो तीन दिन के लिए काम भी चल जाता है। तो बहुत स्मूथ कैनवस मिल जाता है, इट्स रियली नाइस एंड दिस इज हाइड्रेटिंग वन, क्योंकि मुझे ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं हो रही, बहुत स्मूथ फील हो रहा है। प्राइमर के बाद बारी आती है फाउंडेशन की, बट यहाँ पे पैक और पीएसी में कोई भी मिनी फाउंडेशन या कंसीलर लॉन्च नहीं किया है, तो मैं अपना रेगुलर फाउंडेशन यूज करूंगी। बट आई एम गोइंग टू यूज दिस मिनी मेकअप स्पंजेस जो मैंने इस तरीके की पैकेजिंग में आए थे, एंड ये है 295 यानी 300 रुपए के आपको दो स्पंजेस मिल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाय द वे मैं आपको एक बहुत ही पुरानी बात बताने वाली हूँ, बट लुक एट दिस ड्राई साइज, वेट करने के बाद इतना साइज मिलता है और ड्राई के बाद इतना, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे, सारा डिफरेंस नहीं है, बट यस पैक के मेकअप स्पंजेस बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने रेगुलर फाउंडेशन को यूज कर रही हूँ विद दिस स्पंज वेट वाले से, एंड इसका बड़ा साइज आप ले सकते हो। छोटे साइजेस की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो बेस्ट ये है कि आपके जो ये एरियाज होते हैं या यहाँ या नोज के कॉर्नर में, बड़े स्पंजेस थोड़े तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं और छोटे छोटे एरियाज में नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से ये बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली जब आपको अंडर आईज ब्लेंड करनी है या माउथ का कॉर्नर या नोज कॉर्नर की साइड पे, फुल फेस को ब्लेंड करने के लिए, तो या तो आप बहुत ही फुर्सत में हो या तो आप बहुत ही फालतू टाइम अपना स्पेंड करना चाहते हो। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। जब मैंने मेकअप 5 साल पहले स्टार्ट किया था चाय स्टाइल्स को, चैनल को, तब मैंने पैक बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 साल 6 साल पहले की मैं आपको बता रही हूँ, 2017 की। तब मैंने ये 150 रुपीज में दो रेड कलर के नायको और अमेजोन से ही बाय किए थे। उसके बाद लोगों को इतने पसंद आने लगे, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने 150 रुपीस में ही लिए थे, बट रेड कलर में मिनी साइजेस, एंड यू कैन सी कि बहुत सीमलेसली ये फाउंडेशन को ब्लेंड कर देते हैं मेकअप स्पंज। तो आपको मिनी साइज अगर लेना है तो आप ले सकते हो, दे आर नॉट दैट बैड। मेरे फेस पर कितना ज्यादा ग्लो है, कितना ज्यादा शाइन है हर एंगल से, तो इस शाइन को हम अब हटाएंगे, किल करेंगे विद दिस एंटी शाइन ट्रांसलूसेंट पाउडर मिनी 195 रुपीज का, जो मुझे लगता है बहुत सही है। अंदर 200 रुपए के अंदर आपको ये बहुत छोटू सा मिल रहा है, यू विल गेट 2 ग्राम्स 195 रुपीज। पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस, पैक का जो ब्राउ पोमेड आता है वो एक्चुअली इसी साइज का, इतना छोटू है ये, एंड दिस आर लुक्स, इट्स अ व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर। फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस मिनी कॉटन पाउडर पफ्स राउंड व्हाइट कलर में 3 पीस 295 रुपीज। एक्सपेंसिव है अगर छोटू सा मिल रहा है, क्योंकि आपको बड़े साइजेस मिल जाते हैं अगर आप रैंडमली बाय करते हो अमेजोन पे या फिर हर लुक्स, दिस आर सो क्यूट एंड आई फील। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शाइन है, हम यहाँ के शाइन को हटाते हैं। मैंने इसमें ले लिया पाउडर, ओह गॉड मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये इतना सेटिस्फाइंग है ना। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू रिजल्ट। मैं अपना हाफ फेस सेट कर रही हूँ एक्चुअली, एंड इस साइड मैंने अपने फेस को सेट करा है शाइन ट्रांसलूसेंट पाउडर से, एंड इसमें मेरा थोड़ा सा स्पंज में फाउंडेशन लग गया, विच मीन्स कि ट्रांसफर हो रहा है, इट्स नॉट गुड अगर ये आपके फाउंडेशन को हटा रहा है तो। एंड यू कैन सी दिस साइड इज कम्प्लीटली मैट एंड दिस साइड आपको शाइन दिखेगा। तो पाउडर तो ब्यूटीफुल है, जो ये क्लेम कर रहा है वो ये कर रहा है, एंड दिस इज परफेक्ट फॉर दिस समर टाइम, बहुत ह्यूमिड है एंड जिनकी ऑयली, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, फॉर मैट लुक चाहिए तो ये पाउडर बहुत अच्छा है। बट आई फील दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली, इट्स कॉम्पैक्ट, बट आई नो जस्ट रिमूविंग माई फाउंडेशन। एंड बाय द वे ये ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको कोई कवरेज नहीं देंगे, एंड माई कास्ट भी नहीं देंगे, बस ये आपको कम्प्लीटली मैट लुक देंगे। माई फेस इज लुकिंग लाइक अ ड्राई सहारा डेजर्ट, लाइक लुक एट दिस, इतना ज्यादा ड्राई है ये इस टाइम पे, तो इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करेंगे। सो हम थोड़ा सा ग्लो लाते हैं। आई हैव दिस पैक का मिनी हाईलाइटर इन द शेड वर्ल्ड वाइड, और ये मिनी साइज भी आपको 495 रुपीज में मिल रहा है, इसमें 500 रुपए का आपको ये मिनी साइज है। इसका बड़ा जो आता है वो आपको कुछ 800 या 900 कॉस्ट करता है, बट साइज थोड़ा सा छोटू है। बट आई फील पैकेजिंग अगर ये ना होती तो ज्यादा बेस्ट लगती मुझे, बिकॉज ये बहुत बल्की पैकेजिंग है एंड ये मुझे इस तरीके से टूटा हुआ मिला था। बाय द वे मैंने इसे अमेजोन से बाय किया था, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने अमेजोन, कुछ चीज़ें नायका से ली थी, तो उसका मुझे रिफंड मिल गया था, तो अभी तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ द शेड, द शेड इज वर्ल्ड वाइड हिट, इसमें 2 शेड अवेलेबल है, सो लेट्स अप्लाई दिस। ब्लाइंडिंग हाइलाइटर, तो ये आपको एक सटल ग्लो देगा, थोड़ा सा मुझे व्हाइटिश लग रहा है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, बट आई थिंक अगर आप थोड़े से और फेयर हो गए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इट्स नॉट चंकी, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।
एंड आई फील कि ये अगर आप बॉडी हाइलाइटर की तरह यूज करोगे ना तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा. आई डोंट नो बट मुझे ऐसा लगता है. तो मैंने इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है. इस टाइम पे मेरी स्किन जो मेरा फेस है वो एक्सट्रीमली ड्राई फील कर रहा है. थोड़ा हाइड्रेशन लाते हैं. आई एम यूजिंग दिस अगेन राइज एंड ग्लो टोनिक मिस्ट. मैंने इसको 2 से 3 पंप यूज किया है एंड इसमें सिर्फ आपको 10 ml मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. बट इसकी खुशबू भाई साहब क्या गजब की है. और अभी मेरी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटेड लग रही है इसको अप्लाई करने के बाद. नेक्स्ट वी हैव दिस मिनी काजल फ्रॉम पैक. इसका तो मुझे इंतजार था क्योंकि इसने 195 नॉट बैड यार. दिस इज द साइज. लुक एट द साइज. इट्स सो टाइनी. दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग कोल. ये शार्पन करने के लिए है पर इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा शार्पनर नहीं है. Let's see, apply this. It is so pigmented, so black और so creamy. और इसे हम blend करेंगे pencil brush की help से. मतलब मैंने बहुत थोड़ा सा अप्लाई किया था काजल एंड ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है, इतना क्रीमी है, इतना इजिली ब्लेंड हो गया. एंड बाय द वे आई एम यूजिंग पैक का 202 पेंसिल ब्रश. बहुत ही छोटा ब्रश है एंड इससे ये काजल इट्स ब्यूटीफुल. लाइक लिटरली इट्स ब्यूटीफुल काजल गाइस. गो एंड ग्रैब दिस काजल. 195 रुपीज में दिस इज नॉट द बैड डील क्योंकि आपको इतना मिल रहा है एंड बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है. मैं कहां जा रही हूं, मैं दूसरी आंख भी कर लेती हूं बट ऑफ कैमरा. बहुत ही सही लग रही है कोल आइज. तो मैं मस्कारा नहीं है मेरे पास यहाँ पे पैक का. बहुत पहले यूज किया था, बहुत अच्छा था. डुअल एंडेड वाला मस्कारा आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दो साइड आता है. तो मस्कारे से आईज को फिनिश कर रही हूँ मैं. ब्लश की कमी है यहाँ पे तो हम ब्लश अप्लाई करके आते हैं. लास्ट थिंग वी हैव इज इंस्टेंट फिक्सेशन मेकअप फिक्सर. 10 ml आपको मिल रहा है 250 रुपीज में एंड दिस इज अ मिनी साइज makeup fixer. is how it looks. it's very similar to this one. this is a Rise and Glow tonic mist and okay. smells exactly like micro mist जो कि मेरा favorite pack का makeup fixer है जो कि इसलिए available नहीं होता है अब तो. it just bring back my hydration, my glow actually. By the way, ये स्ट्रेंज भी नहीं है क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ली थी. ये है पैक की रेट्रो मैट मिनी लिपस्टिक्स. आई मीन शेड अडोर अ न्यूड ब्राउन शेड बट या दे आर दी बेस्ट लिपस्टिक्स जो मैंने ट्राई की हैं एंड शेड भी बहुत अच्छा है. मिनी साइज काम कर रहे हैं मेकअप, मिनिएचर मेकअप तो ये भी लगा लेते हैं. लेट्स कम टू द कंक्लूजन. तो पैक के जो मिनी मेकअप रेंज इन्होंने लॉन्च की है मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि ये ट्रायल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है. ओवरऑल पैक जो है एक बहुत ही अच्छा मेकअप ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है कि लोगों को बहुत पसंद आता है. सबसे बेस्ट मैंने आपको जैसे बताया था कि आप फुल साइज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है एक मिनी साइज में इन्वेस्ट करो. आपको पसंद आता है तो ही आप उसको लो, अदरवाइज आप फुल साइज लेके अपने पूरे पैसे वेस्ट नहीं करोगे. दिस इज द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि कई बार एक लिपस्टिक आपकी पूरे साल भी नहीं खत्म होती है तो दैट्स व्हाई. सो या ओवरऑल आई लाइक दिस वन. बस मुझे एक ये जो एंटी शाइन जो थिंगी है ना, आई फील दिस इज सो ड्राइंग. लाइक लिटरली बहुत ज्यादा ड्राइंग ट्रांसलूशन पाउडर है जो आपके फेस को बहुत एक्सट्रीमली ड्राई बना देगा. तो मेक श्योर इस चीज को ध्यान में रखें अगर आपको बाय करने का दिल है तो. इस मिनी रेंज का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस 195 से लेके 295 रुपीज है एक्सेप्ट दिस 495 रुपीज का हाईलाइटर. इनर पैन इज टू छोटू बट ओवरऑल दिस बॉक्स इज टू बिग. लाइक पैकेजिंग पे थोड़ा सा और हल्का फुल्का पैकेजिंग करते तो और लाइट वेट होता. ओवरऑल पैकेजिंग काफी लग्जूरियस है. अगर मैं बात करूंगी इसमें आपको मिरर भी मिल रहा है तो 500 रुपए का हाईलाइटर है. वैसे आपको 500 रुपए में Maybelline के और अदर ब्रांड्स के हाईलाइटर ऑफ पे मिल जाते हैं वो भी फुल साइज. इसमें आपको मिल रहा है 2 ब्रांड्स. ऑलराइट यू गाइस, सो ये आपको मेरा मिनी मेकअप रेंज के ऊपर रिव्यू कैसा लगा. सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको इजी अवेलेबल है नायका पे तो मैं लिंक्स दे दूंगी. अदरवाइज आई विल टैग बट मुझे नहीं लगता कि मिनी रेंज जो है वो अभी भी टैग लिस्ट पे आ पाएगी बट लिंक्स तो आपको फॉर श्योर मैं दे दूंगी. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे. ये सारी चीजें मैंने खुद से खरीदी है. ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आई थिंक मेरे को 1500-2000 के अंदर में आ गए होंगे. इससे ज्यादा मैंने नहीं इन्वेस्ट किया एंड आई विश कि इसमें कुछ चीजें भी मिसिंग है जस्ट लाइक मिनी लिक्विड लिपस्टिक को और मिनी बनाया जा सकता है. Yes, because I like this tiny mini skin. And mascara is missing, foundation, concealer is missing, बहुत सारी चीजें is missing. It's okay. तो video अच्छा लगा तो don't forget to like, share, subscribe. I love you guys. We'll see you in the next video. I love you. Bye.